रिजर्वेशन थी, कुछ तफसील से थोड़ा सा क्लियर कर दें चीजों को। मैं तो टीवी देखकर हैरान हो गया, टिकट चल रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। रूम फिर कैसे? हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतने बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं हर मीटिंग में बाहर जैसे पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, सर वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सर क्या कहा? क्या अपोजिशन को हुकूमत की दावत दे देते हैं बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। मेरा हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा खत्म हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीम है जो चल रही है, अप्रूव्ड है, वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सर इतनी सी बात आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टियाँ हैं, पार्टी में बातें होती हैं, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी चाहिए। सर आप इतने दिलेर हैं सर, इतनी दिलेरी से आपने वहां पे बात की और आप यहां पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है, इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यार, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। प्लीज ये खबरें वापस दे। इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थैंक यू।